नमस्कार दोस्तों, क्या आप पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं? सुबह उठते ही आपको लगता है नींद पूरी नहीं हुई, बदन टूट रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी आ गई है। सुबह ऑफिस जाते हैं तो अपने आप को बेड से पुश करके बड़ी मुश्किल से मना के ऑफिस जाते हैं, या गृहिणियाँ हैं, घर का काम करने के लिए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। दोपहर में सुस्ताने लेट गए तो उठने का दोबारा मन ही नहीं करता, 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं लेटे लेटे पता ही नहीं चलता। पूरे दिन भर अगर आपको क्रॉनिक कमज़ोरी का, थकान का एहसास रहता है तो आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको कुछ फूड आइटम्स ऐसे लेने चाहिए जो कि आपकी कमज़ोरी को 7 दिन में ही कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 फूड आइटम्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप अपने डेली डाइट रूटीन में डाल लीजिए, 7 डेज तक कंटिन्यूअसली इन्हें फॉलो करिए और खुद ही आप देखेंगे कि 8वें दिन पर आपकी थकान फुर हो गई है। और जब ये थकान फुर हो जाएगी तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आप अपने डाइट के रूटीन में डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वाटर पीना है, पानी पीना है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। अगर आप बार बार पानी पीना भूल जाते हैं तो पानी की छोटी छोटी बॉटल्स को घर के अलग अलग कोनों में रख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि मुझे अपना डेली इनटेक को कंप्लीट करना है। पानी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्पफुल होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। और पानी की कमी से आपको डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन थकान का एक मुख्य कारण है। लेकिन अगर आप अपना वाटर इनटेक परफेक्ट रखेंगे तो आपको थकान का एहसास डिहाइड्रेशन की वजह से तो नहीं होगा। दूसरा चेंज जो आपको अपने डाइट रूटीन में करना है कि हर रोज़ आपको एक बनाना शेक ज़रूर लेना है, चाहे तो एक बनाना हो या 2 बनाना तक का भी आप शेक बना सकते हैं। होगा क्या इससे, इसमें एक तो बनाना के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपको एनर्जी देंगे। साथ ही मिल्क में भी जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं वो भी आपको एनर्जी देंगे। बनाना मिल्क शेक एक प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह भी काफ़ी सारे जो एथलेटिक पर्सन्स हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको सुबह सुबह 10 से 11 बजे के बीच में इसे ले लीजिए, और सर्दियों का मौसम आने वाला है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं उसको लेना, लेकिन पूरे दिन में बनाना मिल्क शेक एक आपने ज़रूर लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको अपने डाइट रूटीन में डालनी है वो है कि 1 कटोरी दाल की, किसी भी तरह की दाल हो या फिर काले चने, बीन्स, राजमा इत्यादि, ये सब का 1 कटोरी भर के आपको डेली ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दाल की कटोरी है उसमें दाल कम हो और पानी ज़्यादा हो। वो पूरे तरीके से अच्छी कंसिस्टेंसी की दाल या फिर चना या फिर राजमा, ये सब होने चाहिए। तो ये 1 बोल आपको लेना है। इन सभी चीज़ों में, बीन्स और दालों में प्रोटीन होता है, और थकान को दूर करने का प्रोटीन से अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। चौथा चेंज जो आपको अपने डेली डाइट रूटीन में करना है, किसी भी समय बादाम आप भिगो के रखिए, 8 से 10 बादाम, और उन्हें खा लीजिए। आप मॉर्निंग के टाइम खा सकते हैं, इवनिंग के टाइम खा सकते हैं, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। 5वीं चीज़ जो आपको डेली इंक्लूड करनी है अपने डाइट में वो है कोई भी सीजनल फ्रेश फ्रूट। कोई भी मौसम का फ्रेश फ्रूट हो सकता है, सर्दियों का हो सकता है, गर्मियों का हो सकता है, वो 1 फ्रूट ज़रूर लीजिए डेली। अगर फ्रूट्स नहीं हैं तो उस टाइम पे आप जो गर्मियों का सलाद है जैसे खीरा, टमाटर ले सकते हैं, या फिर सर्दियों का सलाद जैसे कि गाजर और मूली, ये ले सकते हैं। तो ये 5 आइटम्स अपने डाइट रूटीन में आपने डालने हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी इकोनॉमिकल आइटम्स हैं। 7 दिन तक रेगुलरली इन्हें अपने डाइट में लेके देखें, 8वें दिन पे आपकी थकान कैसी है, गायब हुई या नहीं, ये कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।